चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में CGI जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा। CGI के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट क्या लेगी फैसला। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्ति की नियुक्ति पैनल से सरकार ने नए कानून को लाकर CGI को बाहर कर दिया है, जिसके बाद CGI को इस नियुक्ति पैनल में एक बार फिर से लिए जाने को लेकर याचिका डाली गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है। सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार ने एक हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में CGI पद का रहना जरूरी नहीं है। सरकार ने इसके पीछे अपने कई तर्क रखे हैं। सरकार ने दलील दी है कि ये धारणा पूरी तरह से गलत है कि चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में CGI पद का रहना जरूरी है। साथ ही ये भी सोचना गलत है कि अगर बिना किसी जज के चुनाव आयुक्तों का चयन पैनल CEC या EC की नियुक्ति करता है तो वो स्वतंत्र तरीके से काम नहीं कर पाएगा। साथ ही केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में ये आरोप भी लगाए हैं कि ये याचिका महज राजनीतिक विवाद पैदा करने के लिए ही डाली गई है। कोर्ट की खबरें प्रकाशित करने वाली वेबसाइट लाइव लॉ के रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने अपने इस हलफनामे में उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें याचिकाकर्ताओं ने दोनों नए चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की जल्दीबाजी में नियुक्ति के आरोप लगाए थे। इस पर केंद्र सरकार ने अपना तर्क दिया है कि दरअसल देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जो कि बड़े पैमाने पर कराए जाते हैं। ऐसे में महज एक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के भरोसे इस काम को पूरे किए जाने की संभावना किसी भी हालत में संभव नहीं है। सरकार ने अपने हलफनामे में ये भी दलील दी है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। ऐसे में ये सोचना कि बिना किसी जज के वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकेगा पूरी तरह से सही नहीं है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता जया ठाकुर और ADR की तरफ से चुनाव आयुक्तों के नियुक्ति पैनल से CGI को बाहर करने के मुद्दे पर याचिका दायर की गई है। इसी याचिका पर बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। इस याचिका में ये कहा गया है कि चुनाव आयोग के तीनों पदों पर नियुक्ति का काम केवल कार्यपालिका के हाथों में सौंप दिया जाना पूरी तरह से निष्पक्षता और लोकतंत्र पर खतरा हो सकता है। गौरतलब है चुनाव आयोग की नियुक्ति पैनल में नए कानून के तहत अब प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार का एक मंत्री और नेता प्रतिपक्ष हैं, जबकि पुराने नियम के मुताबिक इसी नियुक्ति पैनल में प्रधानमंत्री, CGI और नेता प्रतिपक्ष थे। वहीं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 2-1 के बहुमत से की जाती है। ऐसे में अब जब नए रूल के मुताबिक CGI को इस नियुक्ति पैनल से बाहर निकाल दिया गया है तो पारदर्शिता पर सवाल खड़ा करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल सुनवाई चल रही है। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।